वेलकम टू विज्ञान क्रांति। और आज हम लोग जानते हैं लंपी स्किन डिसीज के बारे में। लंपी स्किन डिसीज एक ऐसी डिसीज है जो इन्फेक्शियस और वायरल और ट्रांसमिट डिसीज है, और ये कैपरीपॉक्स नामक वायरस की वजह से होता है। जो कैपरीपॉक्स वायरस जो जब पाया जाता है तो ये डिसीज लंपी स्किन डिसीज होती है। ये डिसीज कैटल एंड बफेलो में प्रेजेंट होती है, और कैटल बफेलो में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो ये काऊ में पाई जा रही है इस समय। और ये डिसीज की हिस्ट्री देखी जाए तो ये डिसीज सर्वप्रथम पहले तो अफ्रीका से स्टार्ट हुई है। अफ्रीका से होते धीरे धीरे ट्रांसमिट होते हुए और एनी कंट्री में फैल चुकी है। फिर इसके बाद अफ्रीका में इसको डिनोट किया गया था। इसके बाद फिर ये ऑस्ट्रेलिया से होते हुए फिर न्यूजीलैंड से फिर साउथ ईस्टर्न एशिया, फिर नॉर्थ ईस्टर्न एशिया, फिर एशिया से होते हुए फिर इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ये डिसीज ये हमारे मथुरा डिस्ट्रिक्ट यूपी में पड़ता है, जो इसमें सबसे ज़्यादा लंपी स्किन डिसीज काऊ में प्रेजेंट पाया जाता है। और लंपी स्किन डिसीज में देखा जाए सिम्टम देखा जाए तो ये लंपी स्किन डिसीज के सिम्टम ये है कि ये डिसीज जो स्किन जो जो मतलब जो क्या कहते हैं काऊ की जो बॉडी होती है उस पर पूरे दाने दाने टाइप के पूरी फैल जाती है। फैलने के बाद और इसके सिम्टम्स में फीवर भी आते हैं उसे, और एनिमल्स जो काऊ होते हैं फीवर भी आते हैं, और ये जानवर से सुस्त हो जाता है। ओलंपिक स्किन डिसीज देखा जाए तो ये इसकी स्टडी इक्टियोलॉजी और इपिडोलॉजी में किया जाता है। अभी ये स्टडीज का कोई मतलब कोई अभी लाइलाज ये बीमारी है, अभी कोई इसकी दवा नहीं बन पाई। अभी इसमें वेटनरी साइंटिस्ट जो है लगे हुए हैं इस पर रिसर्च कर रहे हैं और देखते हैं कि कब तक ये इस डिसीज़ का मतलब हमारे वैज्ञानिक इसका निवारण कर पाते हैं।